हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो हम आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से। और आज वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल एक नया तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जो नोटिफिकेशन लाइट है उसको इनेबल कर सकते हो हर उस डिवाइस में जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। सो आपको जो ये वाला ऐप है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब कि तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर नोटिफाई बड़ी जो एमुलेट नोटिफिकेशन लाइट है इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा प्रकार का देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करना है, आपको जैसे फर्स्ट ऑफ इंस्टॉल हो तो आपको कुछ इसको परमिशंस देनी पड़ेंगी, जस्ट लाइक नोटिफिकेशन परमिशन हम ग्रांट कर देते हैं इसकी। तो जस्ट लाइक मैंने अलाउ कर दी है। देन उसके बाद सेकंड आती है ओवरले परमिशन को भी आपको इनेबल कर देना है। देन उसके बाद आती है थर्ड, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके लिए आपको हर फोन में थोड़ा अलग अलग करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको ऑल पे जाना है और यहाँ पर एन सर्च करना है, क्योंकि इसका नाम नोटिफिकेशन है तो आपको एन पे देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार एन पे चला जाता हूँ, देन उसके बाद इसको इनेबल कर देता हूँ। सो ये रहा नोटिफाई बॉडी, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है जो ऑप्टिमाइजेशन बैटरी यूसेज है उसमें जाके। तो ये हमारे तीनों परमिशंस ग्रांट हो चुकी हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और फिर टिक कर देना है। फिर आता है आपको कौन कौन से ऐप्स के लिए मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन लाइट है सेट करनी है। तो जस्ट लाइक मैं काफ़ी सारे, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के लिए मैं कलर भी चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे मैंने पिंक चूज़ कर दिया और इसको इनेबल भी कर दिया। तो ऐसे ही आप अलग अलग जितने भी मतलब कि आप फ़ोन पे वगैरह जो भी यूज़ करते हो उनके लिए आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कलर भी चूज़ करते हो। और वहीं पर अगर बात की जाए मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जैसे मैंने लगा लिया मेरे को जितने चाहिए थे व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब स्टूडियो के, तो जस्ट लाइक इसका मैं रेड कर देता हूँ। और अगर कुछ नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जस्ट लाइक हमें यूट्यूब नहीं मिल रहा है तो मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया है और यूट्यूब भी आ चुका है, तो हमें भी इसका रेड करके कन्फर्म कर देते हैं। तो जो हमारे जितने भी ऐप हैं सारे के सारे मतलब कि मैंने कर दिए हैं। देन उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इसके अंदर सेटिंग्स में जाना होगा। तो सेटिंग्स में जैसे चले जाते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो LED नोटिफिकेशन लाइट है वो इनेबल देखने को मिलती है। फिर ये ऑप्शन देखने को मिलता है LED एनिमेशन टाइम, तो इसके अंदर आपको मतलब कि बताया जाएगा कितने टाइम तक वो ब्लिंक करेगी। जस्ट लाइक इसकी वैल्यू 2 है तो एक बार ब्लिंक करेगा, फिर मतलब एक दो सेकंड का गैप होगा फिर ब्लिंक करेगा। तो ये आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। मैं आपको जो मेन फीचर वो दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर नोटिफाई फॉर मिस्ड कॉल्स, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और जो DND मोड है इसमें आपको ये मतलब कि ऑन रखना है नहीं रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो चार्जिंग इंडिकेटर है आप उसको भी मतलब इनेबल कर सकते हो, बट इसके लिए आपको मतलब कि जो प्रीमियम है उसकी मतलब की जरूरत पड़ेगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, अगर प्रीमियम नहीं देना चाहते तो लर्न मोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक वॉच ऐड मतलब एक ऐड वॉच करनी होगी, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। और अब आते हैं मेन फीचर पे, जो है कि मतलब कि अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं आपको। तो इस ऐप के अंदर पहले जो शेप्स का फीचर था ना ये नहीं था, पहले आपको सिर्फ एक सिंगल डॉट यहाँ पर ब्लिंक करती हुई नज़र आती थी। बट अब जब अपडेट आया ना उसके बाद इसमें काफ़ी सारी मतलब कि और शेप्स ऐड कर दी गई हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर आपको सर्कल, हार्ट और भी मतलब काफ़ी सारी मतलब तगड़ी तगड़ी, जैसे आयरन मैन का लोगो हो गया, सुपरमैन का, मारियो और ये हैनिसबर्ग, बैटमैन, एवेंजर्स लोगो, काफ़ी सारे लोगो देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट लाइक आपको किसी को भी इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको फिर से प्रीमियम की बात करेगा, मतलब आपको प्रीमियम लेना होगा। तो उसके लिए आपको लर्न मोर पे क्लिक करना है और एक ऐड वॉच करनी है। मैं जस्ट लाइक एक ऐड वॉच कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। सो जस्ट लाइक मैंने जो वॉच ऐड है ना उसको पूरी वॉच कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है और वापस LED शेप्स पे चले जाना है और वहाँ पर जाके आपको जो भी सिलेक्ट किया था जैसे एवेंजर्स लोगो उसको सेलेक्ट कर देना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरी माने ना तो आपका अगर स्क्रीन साइज मतलब कि 6 इंच से भी बड़ा है ना आपका, तो आप इसको चेंज करके थोड़ा सा मतलब 40 के आसपास रख सकते हो, 40-45 रख दिया है, ताकि वो आपको मतलब कि नोटिसेबल हो कि आप देख सकते हो उसको ईजिली, नहीं तो काफ़ी छोटा लोगो आता था। अब आता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। जस्ट लाइक ये हो चुका है हमारा सारा सामान और हमने LED वगैरह मतलब कि इनेबल कर दिया है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट लाइक मैं दूसरे फ़ोन से एक बार WhatsApp पे मैसेज करता हूँ, फिर देखते हैं कैसा मतलब कि लोगो देखने को मिलता है आपको। तो आप देख सकते हो कि जो एवेंजर्स का लोगो है काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लिंक कर रहा है,
और ये मैंने जैसे सेट कर रखा है, दो तीन बार ब्लिंक करेगा तो अभी भी जैसे ये ब्लिंक कर ही रहा है, और इसकी साइज़ मेरे को अभी भी थोड़ी छोटी लग रही है नोटिसेबल होने में। जस्ट लाइक मैंने ये व्हाट्सएप का मैसेज सेंड किया था, आप चाहें तो कोई दूसरे ऐप से भी मतलब ये ट्राई करके देख सकते हो। और इसमें जो मतलब कि रिस्पॉन्स है ना, काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी कम लैग होता है। और जो मैंने एज लाइटनिंग वगैरह के बारे में बताया था कि नोटिफिकेशन आए तो एज लाइटनिंग मतलब कि ग्लो हो, तो उससे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत है ना लैग देखने को मिलता है, जो ऐप है वो स्टेबल नहीं होता। बट जो ये वाला ऐप है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और आपको बिल्कुल रेयर ही बग देखने को मिलेगा कोई। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेके आता रहूँ।